लोकसभा निर्वाचन 2024, चुनाव का पर्व देश का गर्व। एक जागरूक मतदाता लोकतंत्र का भाग्य विधाता होता है। निर्वाचन में मतदान करना हर एक की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर एक वोट जरूरी होता है। इसलिए प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करना चाहिए। और क्या आप जानते हैं कि मतदान केंद्रों पर पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य है। अगर आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है और अगर आपके पास किसी कारण से वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तब भी आप इन वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान कर सकते हैं। यह है मतदान के लिए अन्य वैकल्पिक दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी यूडीआईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज फोटो सहित, पासपोर्ट, पासबुक फोटो सहित बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त सर्विस पहचान पत्र केंद्र राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सांसद विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के अंतर्गत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी। तीसरे चरण का मतदान 7 मई। जागरूक मतदाता की भूमिका निभाइए, मतदान करने जरूर जाइए।